तो गुरु पूर्णिमा की मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार की बात है कि जब संत कबीर अपनी कुटिया में बैठे हुए राम का नाम जप रहे थे तो कुछ तार्किक लोग वहां आए और वो कबीर से पूछने लगे, आपके गले में ये क्या है? कबीर जी बोले कि ये कंठी है, इसे कंठी कहते हैं, ये मेरे गले में रुद्राक्ष की माला है। तो फिर तार्किक लोगों ने पूछा कि आपने ये माथे पर क्या लगाया हुआ है? कबीर ने बताया, भाई इसे तिलक कहते हैं। फिर पूछा कि तुमने अपने हाथ में क्या बांधा हुआ है? तो कबीर ने कहा कि ये मेरी माला है और मैं जो हूँ राम का नाम जप रहा हूँ, मैं राम का भक्त हूँ और मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं राम का नाम जपा करूँ, तो मैं राम का नाम जप रहा हूँ। राम नाम के भीतर सकल शास्त्र पुराण श्रुति का सार है, इसीलिए मैं राम का नाम जपता हूँ। तो तार्किक लोग बोले, अच्छा तुम कौन से राम का नाम जपते हो? कबीर संशय में पड़ गए, क्या राम भी कुछ बहुत से हैं? उन्होंने कहा, हाँ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, बोलो इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? कबीर सोचने लगे, अरे मैं तो यह भी नहीं जानता था कि राम बहुत हैं, मैं तो केवल यही जानता कि राम जी एक ही हैं। ये तो लोग मुझे बहुत संशय में डाल गए, मैं क्या करूं? और यही बात सोचते सोचते वो बहुत विचलित हो गए। अब वो संशय में थे तो उनको अपने गुरु की याद आई। उन्होंने सोचा कि मैं अपने संशय का निवारण करने हेतु अपने गुरु के पास गए वो, और गुरु जी को सारा वृत्तांत कैस बताया और अपने संशय का निवारण करने का उनसे आग्रह किया और बताया कि उन्होंने कहा कि राम तो बहुत सारे हैं, और वो दोहा भी कैस सुनाया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। कबीर की बात सुनकर गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हुए कहने लगे, बेटा ऐसी बात करने वाले तुम्हारे जीवन में एक बार नहीं, जीवन में जिंदगी भर आएंगे, लेकिन तुम्हें सजग रहना होगा। देखो यह सृष्टि विविधमयी है, जिसकी आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा होता है उसको भगवान का स्वरूप भी वैसा ही दिखाई देता है। जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। कोई परमात्मा को ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर तो कोई भगवान कहता है, इसीलिए अलग अलग नाम से सब परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन परमात्मा केवल एक ही है। इसीलिए जो राम दशरथ जी का बेटा है वही राम घटघट में भी लेटा है, वही राम का सकल पसारा, वही राम सबसे न्यारा। राम सब जीवों के घटघट में विराजमान है, राम ने ही इस सृष्टि को रचा है और यही सब पसारा भी उन्हीं का है। इस सृष्टि की रचना के बाद भी वह सृष्टि में फंसते नहीं हैं, इसीलिए वो सबसे न्यारे हैं। इसीलिए वह सबसे न्यारे भी हैं। बेटा इन चारों में कोई भेद नहीं है, राम जी एक ही हैं। कबीर जी प्रसन्न होकर दोहे का अर्थ समझकर गुरु जी से प्रसन्नचित होकर विदा लेकर अपने घर आ गए। जिस दर पे जाके आपको शांति मिले, बिना कहे आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, आपकी आंखों से अश्रु धारा निकले, मन खुश हो जाए, पवित्रता आए, वो ही गुरु का द्वार है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले जब जपे राम का नाम। जय श्री राम। थैंक यू।